जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं ये काले धन में वो लिप्त मिलेंगी। और आज ही मैंने कुछ चैनल में ये देखा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया है कि जब वो पहले चुनाव लड़ाती थी तो वो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी तो हर कैंडिडेट को वो पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने उनके ऊपर असर डाल दिया तो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो किसी को पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या संकेत है? ये सारे कुछ भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा काला धन बनाने में तो बीजेपी नंबर वन की, इंडिया की नंबर वन की पार्टी है। इन्होंने तो 10 महीने में अपना सब पैसा ठीक ठाक कर लिया है, लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो अपनी मूवमेंट को, अपनी पार्टी के संगठन को और चुनाव भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जो हमारे मेहनत कश लोग हैं उनकी खून पसीने की कमाई से पैसा लेकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ पूरे इंडिया में बीएसपी एक ऐसी पार्टी मिलेगी जब एमएलसी का चुनाव होता है या राज्यसभा का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में हम इस लायक बने कि एमएलसी भी बना सकते हैं, राज्यसभा में भी हम अपने लोगों को भेज सकते हैं। तो जो लोग हमारे को कहते हैं कि हम लोग पैसा लेके टिकट देते हैं तो राज्यसभा का मेंबर बनाने में तो बहुत पैसा मिल जाएगा, तो मेरे पास तो बहुत लोग आते थे धन्ना सेठ लोग जब राज्यसभा का यूपी में चुनाव होता या एमएलसी का कि राज्यसभा के लिए कि बहन जी हम आपको 100 करोड़ 200 करोड़ भी दे देंगे, आप हमको राज्यसभा में भेज दो। यदि मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करने की बजाय तो मैं 1-2 लोगों को ही राज्यसभा में भेज के तो मैं पैसा बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है, हमारी पार्टी हमेशा राज्यसभा में और विधान परिषद में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भेजती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है कि मेरी 5 बड़ी रैलियां हुई। मेरी रैली होने से पहले खासकर बीजेपी के लोग ये कहते थे इनकी हालत बहुत खराब है यूपी में, तो ये जगह जगह जाके कहते थे बहुत तोड़फोड़ कर ली इन्होंने बीएसपी में, तो उनको ये मालूम नहीं है कि बीएसपी से जो भी एक व्यक्ति जाता है वो अकेला जाता है, उसके साथ में उसका समाज नहीं जाता है। तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया और बहुत गलत प्रचार किया बीएसपी के बारे में, बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है। लेकिन एक तरफ तो बोलती है बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है तो, लेकिन दूसरी तरफ तो फिर बीजेपी के लोग, फिर मैंने 5 रैलियों में बीजेपी कहती है कि बीएसपी एक एक सीट पर किसी से 1 करोड़ किसी से 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट देती है, तो मैंने 5 रैलियों में कहा मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लोगों को ये कहा कि एक तरफ तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ये कहते हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है। जब बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर ऐसी मरी हुई पार्टी को, पिटी हुई पार्टी को फिर उसके टिकट लेने के लिए कौन एक फूटी कौड़ी भी दे देगा, 1 रुपया कौन भी दे देगा? और ये बात क्या कर रहे हैं, बीएसपी एक एक सीट पर 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लेती है, इसका मतलब तो अब ये दोनों बातों में विरोधाभास है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी भी पार्टी को खतरा है तो वो बीजेपी को है, बाकी पार्टियां तो बहुत पीछे जा चुकी हैं, तो बीजेपी वाले लोग बहुत कसरत कर रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी परिवर्तन रैली, तो कभी वो अपने मंत्रियों को भेज देते हैं। और 2.5 साल तक कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में, जो सेंटर से जुड़े हुए जो मसले हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं उत्तर प्रदेश के, उन मामलों में कुछ किया नहीं।
जब चुनाव के लिए एक डेढ़ महीने का समय बचा है, तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सेंटर के मंत्री हैं उनकी बाढ़ आ गई है। जैसे बरसात में बाढ़ आ जाती है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। और बड़े पैमाने पर तो बीजेपी के मंत्री, तो सेंटर के मंत्री, तो वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल के पड़े हुए हैं और बिना तैयारी के उनके वो क्या कर रहे हैं, जाकर घोषणा कर रहे हैं अपने मंत्रालय से संबंधित किसी ना किसी काम की, या फिर वो शिलान्यास कर रहे हैं। 2.5 साल तक कुछ नहीं किया और अब केवल जनता को गुमराह करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, तो कुछ समय तो सन 2019 में 19 के आते आते तक बीजेपी बहुत ज्यादा धराशायी हो जाएगी जिस तरीके के ये गलत फैसले ले रही है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि बीजेपी से तो बीजेपी तो बहुत पीछे जा चुके हैं, बीजेपी सपा कांग्रेस ये तो बहुत पीछे जा चुके हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा इन दोनों का मुकाबला आपस में होगा कि कौन तीसरे पे जाएगा, कौन चौथे पे जाएगा, कौन दूसरे पे जाएगा, मुकाबला आप उनका पूछो। बीएसपी तो नंबर वन पर है, बीएसपी की हालत वहां पर बहुत अच्छी है। अब तो वहां पर सही मायने में यूपी में जो मुकाबले जो चल रहा है वो बीजेपी और सपा का आपस में लड़े हैं ये। हालांकि ये दिखावटी है, जबकि सपा और बीजेपी अंदर अंदर आपस में मिले हैं, इनकी हालत भी दोनों वो बोल रहे हैं कि यदि भाई मिल जाओ, नहीं तो कहीं बीएसपी पावर में ना आ जाए, हालत बहुत ज्यादा खराब है। कौन बोलता लड़ाई बंद हुई है? अरे अभी गाजीपुर में अभी रैली हुई, गाजीपुर की रैली 8 नवंबर के बाद हुई है। वहां पर उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया है और वहां पर सपा मुखिया के भाषण के शुरू होने से पहले ही सपा मुखिया पहुंच गया था श्री मुलायम सिंह यादव, वहां पर कुर्सियां चली हैं और वहां पर और कोई उनका जो उनके परिवार में जो अंदरूनी कलह है, जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। और मैं फिर मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को ये सावधान करना चाहती हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं फिर सावधान करना चाहती हूँ, आगाह करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा परिवार में जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, वो अंदर अंदर है। केवल मीडिया में वो जरूर चाहे पूरा परिवार सामने आ जाए, लेकिन अंदर की जो खुंदक है उनके आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो खत्म नहीं हुई है। उनका परिवार दो खेमे में बटा हुआ है और जब यूपी में असेंबली का चुनाव होगा तो सपा का जो बेस वोट है यादव, वो दो खेमों में बढ़ जाएगा और दोनों खेमे एक दूसरे को हराएंगे। तो इसलिए मेरा मुस्लिम समाज को ये के लोगों को ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लोगों को अपने वोट को ना तो कांग्रेस को देना है जो ऑक्सीजन पे चल रही है, और जो समाजवादी पार्टी जो दो धड़ों में बटी हुई, जिसका बेस वोट यादव वोट दो धड़ों में बटा हुआ है, उनको देकर खराब नहीं करना है। तो एक तरफा बीएसपी को अपना वोट देकर जो इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें जो उभर रही हैं, जो मजबूत हो रही हैं, उनको कमजोर करने के लिए उनको अपने वोट को नहीं बांटना चाहिए। धन्यवाद।